इस प्लेटफॉर्म में विंडो 11 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास क्वेश्चन आया जी कि हमारे पास जो विंडो 10 है या 11 है वो उसके इंस्टॉल करने के बाद हमारा पीसी जो है ना वो बड़ा स्लो वर्किंग कर रहा है, उसके अंदर काफ़ी सारा हमारा जो काम है वो रह जाता है, स्टार्ट होते हुए काफ़ी टाइम लगाता है। तो उसके लिए आप लोगों को जो पीसी की स्पीड को बेहतर करने के लिए जो काम है वो मैं बताया देता हूँ। सबसे पहले आपने विंडो बटन पर 7 प्रेस करना है। इसके अंदर आपके पास ये टेम्प आपने सिंपल लिख दिया, ठीक है जी। टेम्प लिखने के बाद एंटर प्रेस करना है और ये आपके पास टेम्परेरी फाइल्स जो हैं ये आ जाएंगी। कंट्रोल ए प्रेस करें, इनको डिलीट कर दें, शिफ्ट डिलीट करें या वैसे डिलीट करें आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंडेड है जी। अगर शिफ्ट डिलीट करेंगे तो फिर आपका ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, और अगर आप सिंपल करेंगे तो ये रिसाइकल बिन में जाएगा, वहाँ से आपको इसको रीड डिलीट करना पड़ेगा। देखें यहाँ यहाँ पर आ गया, हमने शिफ्ट डिलीट नहीं किया था। इसको एम्प्टी कर दें। सेकेंड आपने काम ये करना है कि फिर से विंडो बटन प्लस आर प्रेस करना है। इसके अंदर आपने फर्दर जो वर्किंग करनी है वो इस तरह से करनी है कि जनाब इसमें आपने लिखना है प्रीफिज, PREFETCH, देन प्रेस एंटर करेंगे, परमिशन लेगा आपसे, आपने क्लिक कर देना है, परमिशन दे दी। उसके बाद फिर से कंट्रोल ए सिलेक्ट करके इसको शिफ्ट डिलीट कर दें, और वो कह रहा है कि जी परमानेंटली आप डिलीट करना चाहते हैं, जस्ट यस कर दें, तमाम फाइल्स जो हैं ये डिलीट हो गई हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और ऑप्शन रह गया है जो कि हमारे काम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। आप विंडो बटन प्लस ई प्रेस करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये आपके पास चंद एक चीज़ें आ रही हैं रिसेंटली फाइल्स में। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 20 वो बता रहा है कि जी आपकी रिसेंट्स फाइल्स हैं। इन रिसेंट्स फाइल को आपने जस्ट क्लिक कर दिया और इनको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। इनको जितनी भी फाइल्स पड़ी होंगी आप इनको डिलीट करते जाएंगे तो आपका पीसी जो है ये काफ़ी ज़्यादा हद तक स्पीड जो है ये अपनी बेटर कर लेगा। यहाँ से आपने सिंपल रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस कर देना है। क्विक एक्सेस के अंदर आपके पास ये चीज़ें जो है ना ये ना हो तो आपके सिस्टम जो है वो बड़ा बेहतर और तेज़ तरीन स्पीड से काम करेगा। तो जितनी भी फाइल्स पड़ी हो आपने जस्ट क्लिक करके इनको सिलेक्ट करना है, क्लिक करेंगे उसके बाद आप इनको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट यहाँ से राइट क्लिक करके इन्हें कर देना है रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस। जैसे ही रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस करेंगे तो ये आपके पास से डिलीट हो जाएंगी। राइट क्लिक किया तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो आ जाएगा और आपने इनको रिमूव कर देना है, ठीक है जी। आज का इतना ही लेक्चर है। अल्लाह हाफिज़।